अभी जितने भी बड़े लोग सामने बैठे हैं, अधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, आप पत्रकार, हम कवि, ये सुनील जोगी जी पद्मश्री, हम सब बाहरी विवेकानंद हैं। घर में घुसते ही हमारी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती है कि तेरे में अक्कल नहीं है और अपन मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कि अगर अपन में जरा सी भी अकल होती तो इससे शादी करता कौन। अब ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई जो इसी संप्रदाय के हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती ये भी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। वाह भाई, हिंदुस्तान में अगर किसी ने तरक्की की है तो वो केवल महिलाओं ने की है। ये बेचारे पुरुष तो सोच भी नहीं सकते, क्या सोचे। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, अच्छा लगे तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। कि कौन कहता है नारी भारत में अब लाहे, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। वाह, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सबकी पत्नी अबला होती है, आईजी साहब सहित, क्योंकि 30 दिन बेचारे नौकरी करते हैं, एक दिन तनख्वाह लेके जाते हैं तो भाभी जी इंतजार करती कि अबला कल से तो तेरी खैर भी नहीं है फिर। और हम कभी, आप व्यापारी, ये नेतागण, हम सबकी पत्नियां सबला होती हैं, पत्रकारों की भी, क्योंकि हम दिन भर में जो भी रोग आके घर पहुंचते हैं तो वो कहती कि सबला। अब मैं आपको एक छंद सुना रहा हूं उसकी खूबसूरती पर, कितना आनंद आ रहा है आपको। वाह, सबला। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है। वो शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है। सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान बन सके तो सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। देखो पति इस बात पे भी ताली बजा रहा है, इससे भोली प्रजाति दुनिया में पाई जाती है जो अपनी मूर्खता पे सार्वजनिक रूप से ताली बजा रहा है। इससे भोला प्राणी दुनिया में नहीं पाया जाता जो पति होता है। और हिंदुस्तान का पति है विधायक जी, सोच भी ले कि पत्नी से आगे निकलना है तो उसके लिए स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाप दादा रीति रिवाज बनाकर, हमारी माता बहनें बैठी हैं, भोजन बनाती हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब मैं देवास में रहता हूं, आप कानपुर में रहते हैं, यहां गाय भी मिल जाती, कुत्ते भी मिल जाते हैं। ये दिनेश बावरा बंबई में रहते हैं, 24वें माले पे, ना गाय मिलती है ना कुत्ता मिलता है। रात में 2 बजे कविता पढ़ के घर जाते हैं तो वो दोनों रोटी इन्हीं को गर्म करके खिला देती है। अच्छा, आपने भी ताली बजा के बता दिया कि आपकी भी लोकल रेपुटेशन यही ही है, और ये सबकी है, कोई स्वीकार करे ना करे। अंतिम पंक्ति पर इशारा कर रहा हूं, इशारा पहुंच जाए तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूं। कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिल को ये कभी कभी रात कहने लगे तो उनको तुरंत तारे गिन के बताना है। और दो पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। दो पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि